मूल निवास और भू कानून मांग को लेकर चमोली के गैरसेण में एक विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों, महिला मंगल दलों और व्यापार संघ के लोगों ने इस महारैली के माध्यम से भाजपा और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के आज 24 वर्षों बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। इस राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन में कई राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। वहीं भू कानून समन्वय समिति के बैनर तले गैरसेण में हजारों की संख्या में एकत्र हुए आंदोलनकारियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण कर महारैली का आयोजन किया। मसूरी व खटीमा गोली कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। रैली में क्षेत्र के करीब 40 महिला मंगल दल और विभिन्न राजनीतिक संगठनों सहित व्यापारी व क्षेत्रीय जनता ने भी हिस्सा लिया। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। आज ये लड़ाई प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। आज हमारा अस्तित्व इस लड़ाई पर टिका हुआ है। इस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ा गया तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, हमारा अस्तित्व बच सकता है। ये लड़ाई आज चाहे भू निवास की हो, लड़ाई चाहे भू कानून की हो, लड़ाई चाहे स्थायी राजधानी की हो, इसके अलावा रोजगार पलायन की लड़ाई हो या अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई हो, यहाँ के जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई हो, अपनी माटी बेटी को बचाने की लड़ाई हो, इन तमाम मुद्दों के साथ ये आह्वान आज गठन पर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पिछली रैली में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग दूर दूर से पहुँच कर देहरादून उस रैली को सफल बनाया, आज यहाँ सफल बनाया। अब ये मुहिम आगे बढ़कर हम लोगों का कर्तव्य है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलकर इस प्रदेश में कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड के भीतर डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है, पलायन होने के बावजूद भी इस राज्य के भीतर 40 लाख से अधिक लोग मूल निवासी स्थायी निवासी बन गए हैं, जबकि इस राज्य का मूल निवासी बाहर होटलों में नौकरियां कर रहा है, राज्य के बाहर है। और यहाँ 40 लाख से अधिक लोग जो बाहर से आए हैं, बिजनौर से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, वो लोग यहाँ स्थायी निवासी बन गए हैं। यहाँ के जो अधिकारी, जो बाहर के अधिकारी हैं, उनके बच्चे यहाँ, इन्होंने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिया है। आज समूह गा की भर्तियाँ हुई, तमाम भर्तियाँ उनमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियाँ खा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य में मूल निवास की व्यवस्था लागू हो, यहाँ मजबूत भूमि कानून बने और इस राज्य की राजधानी गैरसैण बने, ताकि बगल का हमारा कुमाऊँ और ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र एक होकर इस हृदय स्थली गैरसैण को अपनी राजधानी के रूप में देखकर इस पूरे राज्य की जो परिकल्पना हमारे शहीदों ने रखी थी, उस परिकल्पना के हिसाब से ये राज्य चलेगा। जितने भी युवा साथी हैं, हम इस आंदोलन को, चाहे बेरोजगारी के हमारे सवाल हैं, चाहे मूल निवास सहित राजधानी का सवाल है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे भी इसी तरह से मुखरता से लड़ते रहेंगे। जनता के साथ हम खड़े हैं इन मुद्दों को लेकर। हमारा सपना है कि जो सपने थे शहीदों के वो पूरे हो, युवा भी और मातृशक्ति मिलकर हैं और हमारे पूर्व सैनिक इन सपनों को पूरा कर सकते हैं।